नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए बयान से अयोध्या के संत भड़के हुए हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा है कि आज से नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वेद और पुराण में वर्णन का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। रामदास महाराज ने कहा कि मेरे लाखों शिष्य नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में भक्त सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली को एक महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। ये धर्म आदेश मैं जारी करता हूँ, मेरे शिष्य सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करें और ओली को सत्ता से बाहर निकालें। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा कि पूरे विश्व की संस्कृति राजधानी अयोध्या है। वेद रामायण और पुराण में देख लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जहाँ सरयू है वहाँ अयोध्या है। नेपाल में तो सरयू है ही नहीं, पूरे भूमंडल में राजा होते थे और सबका चक्रवर्ती सम्राट भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के महाराज होते थे। वहीं धर्मगुरु महंत परमहंस ने कहा कि केपी शर्मा खुद नेपाली नहीं है, केपी शर्मा पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं, नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गाँव पर कब्जा कर रखा है, उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि हमारे लिए अयोध्या एक है और अयोध्या ही रहेगा। राजनीति में कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुख्य अयोध्या वह है जहां सरयू माता है, राम जी का अयोध्या यही है। आपको बता दें कि नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली का दावा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने यह दावा किया। नेपाल के पीएम ओली शर्मा ने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। जनकपुर से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ के ही राजकुमार राम थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी है।